अब खाऊं वाई वाई आलु तामाको स्वादमा, स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो। ब्रिज सिमेन्ट सोलिड टेक्नोलोजीले बन्छ सोलिड सिमेन्ट। हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भरियो अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत है। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। नमस्कार, मैं डॉक्टर भोला रिजाल। सुन लीजिए आज की पंक्ति मेरी जुबान से। चलते रहे कदम दोस्तों, किनारा जरूर मिलेगा। अंधकार से लड़ते रहे, सवेरा जरूर खिलेगा। जब ठान लिया मंजिल पर जाना, रास्ता जरूर मिलेगा। ये राही न थक चल, एक दिन समय जरूर फिरेगा। आज मैं आप लोगों ने एक यात्रा पर लेकर चल रहे हूँ। काठमांडू से डोलेश्वर होते हुए आशापुरेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। श्रावण को महीनो है और शिव जी की आपकी महिमा है। आप ज़्यादातर घर का नज़दीक जो भगवान का मंदिर हुआ है, बड़ा बहुत कम ध्यान देवा हैं और दूर दूर का भगवान ने ज़्यादा याद करा। काठमांडू से डोलेश्वर करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर है और भक्तपुर के रास्ते जड़ी बूटी से होते हुए जायो जा सके है। आप अभी मैं जड़ी बूटी भक्तपुर जड़ी बूटी में खड़े हूँ और आओ आप यात्रा ने उरसे शुरू करा। अभी आप भक्तपुर जाने के लिए जड़ी बूटी से आगे बढ़े हैं और यो रास्तो आप लोग जानो ही हो, अभी नयो बनो है। 4-6 लेन को रास्तो बन चुके है और ए रास्ते में चलते हुए करीब करीब 13 किलोमीटर मैं अपना डोलेश्वर महादेव पहुँचाऊँगा। और डोलेश्वर महादेव जो है केदारनाथ को सिर भाग के रूप में परिचित हुए है, या यूं कहूँ केदारनाथ के सिर भाग के रूप में मान्यता दी गई है। और जब से यह मान्यता मिली है उनके बाद डोलेश्वर आनिया जानिया को बहुत ज़्यादा प्रेम बढ़ो है। और डोलेश्वर महादेव आज से कुछ साल पहले तक बैठा जो मंदिर थो वो बहुत ही छोटो सो मंदिर थो, लेकिन अब भक्त लोगों की इतनी सेवा भाव जाग्यो है कि नयो मंदिर बन रियो है। ठीमी से आगे बढ़ने के बाद करीब 1 किलोमीटर पर बाईं तरफ राधे राधे यानी कि कृपालु जी महाराज को आश्रम भी आवे है। बैठे भी दर्शन करने या यूं कहूँ थोड़ी देर के लिए विश्राम के लिए जायो जा सके है। ठीमी चौक के बाद करीब 1 किलोमीटर में दूसरो चौक आवे है सल्लाघारी। अब उरे से हल्की सी आगे जाने के बाद एक तरफ भक्तपुर आवे गो तो दूसरी तरफ नगरकोट जाने को रस्तो आ जावे है। बस अब आप कुछ ही देर में सूर्य विनायक चौक पहुँच रहे हैं। दाईं तरफ जावांगा तो सूर्य विनायक गणेश जी के मंदिर की तरफ और बाईं तरफ अगर जावांगा तो भक्तपुर दरबार स्क्वायर भी पहुँचो जा सके है। भक्तपुर काठमांडू उपत्यका की एक अइयां को शहर है, या यूं कहूँ प्राचीन सभ्यता को शहर है। बैठे का जो बनेड़ा मकान है, जो मंदिर है और जो बस्ती है वह देखांगा तो यहाँ लागे है कि आप कोई बहुत पुरानी जगह में पहुँच गया हाँ। सूर्य विनायक चौक के बाद आगे जगाती करके जगह आवेगी। बैठे 2-3 रास्ता है डोलेश्वर जाने के लिए, लेकिन जगाती जो जगह है चौक है उनके बगल से जो रास्तो जावे है वो कुछ हद तक सही है और आसानी से जायो जा सके है। आपा जगाती पहुँच गया हाँ और उरे से दाई तरफ होकर के डोलेश्वर के लिए
प्रवेश कर रहे हैं और यो एक मूल रास्तो बनाए हुए है जो पूरे मेन रोड से लेकर के और डोलेश्वर मंदिर तक पूरा पीच रास्तो है। और जब तक डोलेश्वर के बारे में बेरो नहीं पट्यो थो तब तक इन जगह ने बहुत कम लोग जानता। अपने मारवाड़ी तो शायद ही जानता कि उरे भी भक्तपुर जावा जद उरे भी आगे कोई जगह है, मंदिर है भगवान को, ये सब बहुत कम लोगों ने बेरोत हो। लेकिन अब धीरे धीरे डोलेश्वर की जो महिमा प्रचारित हो रही है उनके बाद से मारवाड़ी समुदाय भी खूब उरे आवे है। और श्रावण महीने में और शिवरात्रि में तो विशेष करके खूब अच्छी भीड़ लागे है। आप जिया जिया डोलेश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं प्राकृतिक सौंदर्य देखने लायक है, बहुत ही सुंदरता दिखने मिले है और सुबह को दृश्य और भी मनमोहक रवे है। अभी करीब सुबह की 7:30 बज रही है और मैं लोग इन यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं और पूरा जो मौसम है वो बहुत ही सुंदर है। और मैं यूं कहूं कि सुंदरता देखने के लिए काठमांडू से बहुत दूर जाने की कोई खास ज़रूरत ही को नहीं। अपा जगाती के तरफ से घुसा था जो चौड़ो रस्तो है और पीच रस्तो है, अभी बसने चौक पर पहुँचे हाँ। उरस से अगर दाई तरफ से दूसरो एक रस्तो भी आवे है वो थोड़ो खड़े रस्तो है, इसलिए बठे से आने में गाड़ी थोड़ी दिक्कत हुआ है। इं बोल के उरने से आया हाँ, लेकिन दोनों तरफ का दो रास्ता है और यहीं बसने चौक से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अब ढोलेश्वर महादेव है। आप बस करीब करीब उरे से 2-3 मिनट के अंदर बठे पहुँचो जा सके है गाड़ी में। आप ढोलेश्वर मंदिर करीब करीब पहुँच गया हाँ, पार्किंग में आ गया हाँ। दाई तरफ जो दूसरो एक रास्तो देख रहा हो यो सूर्य विनायक जो मंदिर में था आप लोगों ने बतायो थो बठे से आने को रस्तो है डोलेश्वर के लिए। जगाती से तो आई सका हाँ, एक अलावा आप सूर्य विनायक से भी डोलेश्वर आ सका। मैं अभी मंदिर जाने के रास्ते पर खड़े हूँ, पूरे से गाड़ी आगे को नहीं जा सके और पार्किंग बगल में ही है जहाँ मैं आप लोगों ने बतायो थो। अब उरे से पैदल यात्रा डोलेश्वर की जावा है। लगभग 200 मीटर अंदर में अभी आप लोग उरे डोलेश्वर महादेव के प्रांगण में आ चुके हैं। आज श्रावण को शनिवार है, आप लोग देख सको हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। यही यो वही मंदिर है जठ कुछ साल पहले एक दो आदमी भी बड़ी मुश्किल से दिखता था।
मैं अभी डोलेश्वर मंदिर के अंदर हूँ और पृष्ठभूमि में आप लोग डोलेश्वर भगवान को लिंग देख रहा हो। पिछले 4-5 साल पहले जो केदारनाथ में बाढ़ आई थी वो अच्छो संयोग तो कोनी थो, लेकिन डोलेश्वर के लिए शायद अच्छो संयोग बण्यो। उनके बाद बठे जब पूजा बंद हुई थी तो पूरे डोलेश्वर में केदारनाथ को सिर भाग के रूप में मान्यो गयो और केदारनाथ की पूजा पूरे से ही करी गई थी। और आज शनिवार इतनी ज़्यादा भीड़ है जो आपने मैं पहले भी बतायो थो, और अभी तो यह स्थिति है कि सोमवार ने कम से कम 50,000 से ज़्यादा लोग पूरे दर्शन के लिए आने लग गया है। और मंदिर को जो स्वरूप है जो पहले थो उसे बहुत परिवर्तन हो चुको है और भव्यता की ओर जा रही हो। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न, रियो ओलम्पिक 2016 में भाग लिने सबै भन्दा कम उमेर का खिलाड़ी को नाम के हो? अप्सन ए युसान बोल्ट, अप्सन बी गौरिका सिंह, अप्सन सी माइकल फिल्प्स, अप्सन डी फुकुलामु खत्री। दिएका अप्सनहरु मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 34004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। मलेसियामा उत्पादित चोइस ब्रान्ड सूर्यमुखी तेल 1-1 सीसी प्रत्येक हप्ता 3 जनालाई, कलर्स मोबाइल ब्राइट फिटेड प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, प्रत्येक महिना सीजे इन्डक्शन कुकर 1 जनालाई। विजेता को नाम आउँदो शनिवार बिहान 10 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरव मा घोषणा गरिनेछ। अब खाऊं वाई वाई आलु तामा को स्वाद मा स्वाद खोजे जस्तो सुगंध रोजे जस्तो। ब्रिज सिमेंट सॉलिड टेक्नोलॉजी ले बन्छ सॉलिड सिमेंट। दर्शकवृंद, अभी आपने काठमांडू से डोलेश्वर महादेव तक की यात्रा संपन्न होगी। अब आप आशापुरेश्वर महादेव की तरफ चलांगा। उरे से 6 किलोमीटर को रस्तो है। हाँ, लेकिन आप लोगों ने एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आशापुरेश्वर जाने के लिए जो रस्तो है, पीच रस्तो तो है लेकिन खड़ी ऊँचाई है, इसलिए हर कोई गाड़ी शायद नहीं भी जा सके है। 4-व्हील ड्राइव गाड़ी हुए तो आसानी से जायो जा सकेगो, नू तो बस भी जावा है और टैक्सियां भी जावा है, लेकिन साधन के लिए थोड़ो ध्यान से जानो ही सही रहेगो। और अब आप आशापुरी की तरफ जाऊँगा, लेकिन यहीं चौक से करीब 125 मीटर पर दक्षिण काली माई को मंदिर है और 1 किलोमीटर ऊपर काली देवी को मंदिर है। आओ आप अब आशापुरी की यात्रा प्रारंभ कर। अभी मैं आप लोगों ने बतायो थो कि डोलेश्वर यात्रा संपन्न होगी और आशापुरेश्वर महादेव के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बारिश और कुछ शनिवार गाड़ियां के जाम के कारण से आगे बढ़ने की स्थिति होनी रही, इसलिए आज के लिए यह यात्रा ने पूरे विराम देवांगा। हाँ, लेकिन एक हफ्ते पहले कुलेश्वर मारवाड़ी समाज और विभिन्न अलग अलग संस्था से संगठित होकर के कुछ मारवाड़ी लोग गया था आशापुरेश्वर महादेव, बैठे मिलोग भी सागर था। उस समय की कुछ झलक आप लोगों ने दिखा रहे हैं, लेकिन यात्रा फिर कोई दूसरे दिन करांगे।
अभी आप लोग देख रहा था जो कुलेश्वर से मारवाड़ी समाज आशापुरेश्वर गयो थो और बठे से जल लेकर के डोलेश्वर में आकर के चढ़ाया था। संयोग कहूँ या के कहूँ, उन दिन डोलेश्वर पहुँचने से पहले और आशापुरेश्वर से निकलने के बाद इतनी ज़्यादा बारिश थी कि मे लोग पूरी चीज़ें तो कवर को नहीं कर पाया था, लेकिन थोड़ी बहुत ही जो भी थी आप लोगों ने दिखाया। और डोलेश्वर उन दिन को नहीं पहुंच पाया तो आज आशापुरेश्वर को नहीं पहुंच पाया। खैर, अब आगे सूर्य विनायक के रास्ते से होते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप सूर्य विनायक मंदिर के द्वार पर पहुंच गया हैं और आप पृष्ठभूमि में देख रहे हो खड़ी सीढ़ी है, फिर भी आगे की अब यात्रा करा हैं और सूर्य विनायक का दर्शन करने चला। मैं अभी सूर्य विनायक मंदिर के प्रांगण में हूँ और शायद ऐनही संयोग कवह है, काठमांडू से चलिया था डोलेश्वर होते हुए आशापुरेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए, लेकिन आशापुरेश्वर नहीं पहुँच के डोलेश्वर से ही सूर्य विनायक पहुँच गया हाँ। सूर्य विनायक के लिए एक चीज़ कहो जावे है कि अगर कोई बच्चों बोल नहीं पा रहे है या बोलने की उम्र क्षमता विकास नहीं हो रही है तो सूर्य विनायक का दर्शन करवा लेने से बोलने लग जावे है। अभी आपा आया सूर्य विनायक मंदिर, शायद संयोग यही बोला है कि काठमांडू से डोलेश्वर होते हुए आशापुरेश्वर के लिए निकला था लेकिन पहुंच गया सूर्य विनायक मंदिर। आशापुरेश्वर की यात्रा फिर कभी करांगा कहते हुए आज के लिए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनके विजेता को नाम और इस हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, यी मध्ये कुन महादेवलाई केदारनाथको शिरका रूपमा पूजा गरिन्छ? अप्सन ए आशापुरी महादेव, अप्सन बी डोलेश्वर महादेव, अप्सन सी कुशेश्वर महादेव र अप्सन डी जलेश्वर महादेव। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी डोलेश्वर महादेव। मलेसियामा उत्पादित चोइस ब्रान्ड सूर्यमुखी तेल पाउन सफल हुनु भएको छ। 9861072151, 9841486899, 9801714414। बधाई छ विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित एक हप्ता भित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नु होला। मोबाइल नम्बर 9849923804 पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, रियो ओलम्पिक 2016 भाग लिने सबैभन्दा कम उमेरका खेलाडीको नाम के हो? अप्सन ए युसान बोल्ट, अप्सन बी गौरीका सिंह, अप्सन सी माइकल फिल्प्स, अप्सन डी फुकुलामु खत्री। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 34004 एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। मलेसियामा उत्पादित चोइस ब्रान्ड सूर्यमुखी तेल एक एक सिसी प्रत्येक हप्ता 3 जनालाई, कलर्स मोबाइल ब्राइट पिटेन प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, प्रत्येक महिना सीजे इन्डक्सन कुकर 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आज के लिए यो कार्यक्रम इतनो ही, अगले शनिबार फिर नई सामग्रियों के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मैंने भी इजाजत दियो,
और ऐ कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो है, तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98-498-23804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो अपनो nepal@himalayatv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ, अपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो, और पुराना एपिसोड देखने के लिए यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो, और अब आप लोग भने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार। सुंदर सपना का फ्यूचर दे, अपनो पहिचान फैलाऊ दे, नया नया विचार को ल्याऊ दे उपहार। भाई सरस्वत बाप को जसले बिजाऊ ससौरा, भाई सरस्वत बाप को जसले बिजाऊ ससौरा, हमी सबै को